सबका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए, मेरा इंतज़ार करने के लिए, क्योंकि मैं थोड़ा लेट हो गई. बट थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग एंड फेलिसिटेटिंग मी. थैंक यू सर. जम्मू की बेटी को आप सब ने इतना प्यार दिया और मेरे आते ही ऐसे लगा यहाँ फूलों की बारिश हो गई मेरे ऊपर, तो बहुत बहुत अच्छा लगा. थैंक यू सो मच. ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए. मैं अब मिसेस वर्ल्ड के लिए जाऊँगी जो कि दिसंबर में आयोजित होगा लास वेगास में, और दुनिया भर की बहुत सारी बेहतरीन मिसेस के साथ कम्पीट करूँगी. तो आई होप आप लोगों का आशीर्वाद इसी तरह मुझ पर बना रहे और मैं उसमें भी इसी तरह कामयाब हूँ. का विषय है कि हमारे जम्मू की और विशेष करके मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बेटी सरगम कौशल, जिसने एक ऊंचाइयों को छुआ है और मिसेज इंडिया बनकर के एक नाम किया है. पहले भी जम्मू से एक मीनू महाजन और उसके बाद आशिमा, उनका भी अलग तरह का कोई कंपटीशन हुआ होगा, उसमें भी उन्होंने लिया था. और अच्छा लगता है जब हमारे लोग आगे बढ़ते हैं. जम्मू की ब्यूटी का कोई मुकाबला नहीं है, इसमें तो कोई शक नहीं है. पूरे हिंदुस्तान से बेहतर और ख़ास करके ये मुकुटमणि है पूरे भारत का. तो आज मैं सरगम कौशल जी, जिन्होंने अपने परिवार का नहीं, समाज का नहीं, पूरे भारत का एक मान बढ़ाया है, ये अपने आप में एक बड़ी बात है. मैं जो आने वाले वर्ल्ड जो कंपटीशन है उसके लिए इनको मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ ये वहाँ से भी अपना प्रथम स्थान लेकर के हमारे जम्मू में लौटेंगे और इसी तरह का कार्यक्रम हम फिर आयोजित करेंगे. आज मैं प्रेस के बंधु जो लगातार हमारे लोगों को प्रमोट करते हैं जम्मू के विषयों को लेकर के, उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ. खास करके हमारे पार्षद जो इस मौके पर अभी भी उपस्थित हैं, इनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ. उनके पेरेंट्स को मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने ऐसी एक बेटी को जन्म दिया जिसके कारण से हमारे जम्मू कश्मीर का नाम रोशन हो सका.